हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन कुमार है और आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लॉन्ग आंसर्स अच्छे से याद कर सकते हो। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो और अगर उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं लॉन्ग हैं और उन्हें आप अच्छे से याद करना चाहते हो तो मैं एक दो ट्रिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर्स लॉन्ग होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर 3 से 4 पेजेस में है या उससे ज़्यादा, तो आप उनको क्या काम कीजिए, उनको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लीजिए और उनको एक एक क्वेश्चन समझकर याद कीजिए। एक तो ट्रिक ये हो गई, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उनको रटे ना, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे कैसे याद हो सकते हैं, आप उसको कैसे कर सकते हैं याद। और दूसरी जो बात यह है कि लिख लिख कर याद करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को याद करना। तो आप लिख लिख कर याद कीजिए। और जो तीसरा तरीका यह है कि रिकॉर्डिंग, अगर आप अपने, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा और उसको बोल बोल कर उसको रिकॉर्ड कीजिए और फिर एयरफोन या हेडफोन से आप उसको सुनिए और नीचे जो आपके पास किताब है उसमें देखिए कि हाँ भाई ये जो हमारा आंसर है वो सुन भी रहे हैं आप और बोलते हुए पढ़िए उसको। तो ये जो 3 तरीके हैं ये बहुत कारगर हैं। ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है और आप इस पे यकीन मानिए कि अगर आप इस जो मैंने तरीके 3 बताए हैं इससे आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन का जो आंसर है वो याद हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ फ़ायदा लग रहा है तो हमारी वीडियो पर तब ही कमेंट करें और बताएं कि आपको कोई फ़ायदा हो रहा है इससे। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस वीडियो को। धन्यवाद।